आऊदबिल्ल मिनशैता नज़ीम बसमिल्ल हरमा नहीम नाजर न कराम सामकम वरमतल व बरकत हमारी गुफ्तु दुनिया और आखिरत के मौजू पर चल रही है मैं अर्ज़ करूँ इस सिलसिले में कि दुनिया की मोहब्बत दुनिया में रसवाई लाती है और आखिरत में अजाब इलाही को लाती है लिहाजा हम सब का फरीज़ा है कि हम अपने आप को दुनिया की मोहब्बत से नजात दें ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी रहे और हमारी आखिरत भी अच्छी रहे जिस इंसान के अंदर हब्ब दुनिया होती है वो मगरूर होता है मतकबर होता है उसका दिल सियाह होता है नतीजे में वो तबाह और बर्बाद हो जाता है उसकी दुनिया भी ख़राब होती है और उसकी आखिरत भी ख़राब होती है सूर क़सस में क़ारून के क़े को इस तरीक़े से बयान किया गया है व इदू कौम हो ला तफफ़रा लाबल फफरेन कारून की कौम ने कारून से कहा मियाँ कारून तुम्हारे पास दौलत आ गई है तुम बहुत मालदार हो गए हो इस वजह से तुम्हारे अंदर गुरूर घमंड पैदा हो गया है लिहाजा ला तफरा तुम इतराओ नहीं तकबर मत करो गुरूर मत करो क्यों इला ला युहब्बलफरेहीन चूँकि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता फिर कौम कारून ने कारून से कहा वब तगे फ़ीमा आता का दारखरा कारून जो कुछ तुमको अल्लाह ने दुनियावी माल दिया है उसके ज़रिए से सिर्फ दुनिया को मत बनाओ बल्कि दुनिया में रह कर आखिरत में अपने घर को बनाओ और वला तन सा नसीब का मिनत दुनिया दुनिया में अपना हिस्सा मत भूलो यानी दुनिया में बदर हिस्सा ही लो दूसरों का माल मत खा जाओ व आहसिन कमा आहसन अल्लाक और जिस तरीक़े से अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छाई की है उसी तरीक़े से तुम भी दूसरों के साथ अच्छाई करो जिस तरीक़े से तुम कुछ भी नहीं थे अल्लाह ने तुमको मालदार बना दिया तो तुम भी गरीबों की मदद करो फकीरों की नुसरत करो मस्किनों की एानत करो वला तबगिल फसाद फ़िलज़ मिस्टर कारून तुम दौलत की वजह से ज़मीन पर फसाद मत करो चूँकि इन ला ला युहबुलमुफ़ अल्लाह फसादियों को दोस्त नहीं रखता है तो कारून की कौम ने कारून को पाँच नसीहतें की, मिस्टर कारून आकलबाजी और रंगबाज़ी से काम न लो मिस्टर कानून दौलत आ गई है तो माल दुनिया के ज़रिए से आखिरत में घर बनाओ मिस्टर कानून तुमको चाहिए कि दुनिया में अपना ही हिस्सा लो मिस्टर कानून तुमको चाहिए कि जिस तरीक़े से अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छाई की है उसी तरीके से तुम भी लोगों के साथ अच्छाई करो मिस्टर कारून दौलत के ज़रिए से इसलाह का काम अंजाम दो ज़मीन पर फसाद न करो लेकिन कारून ने कौम की इन पांच नसीहतों को नहीं माना तो नतीजा क्या हुआ अजाब इलाही उसके ऊपर आया ज़मीन फटी और कानून ज़मीन के अंदर धंस गया ये आय करीमा दर्स है इस दुनिया के छोटे छोटे कानूनों के लिए जो दौलत को जमा करके गुरूर कर रहे हैं घमंड कर रहे हैं असलाह की जगह ख़र्च करने के बजाय फसाद की जगह ख़र्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इन आयतों के ज़रिए से ज़मान हाजिर के छोटे छोटे कानूनों को दर्श दे रहा है याद रखना अगर तुम अगर तुम अपने बैंकों बैलेंस के ख़ज़ाने पे इतराओगे तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो कानून का हशर हुआ था लिहाजा इंसान को चाहिए माल दुनिया के ज़रिए से आखिरत में अपने घर को बनाए वरना कितने बड़े बड़े मतकबर इस कायनात में गुज़रे हैं चाहे वो कानून हो चाहे वो नमरूद हो चाहे वो फिरौन हो चाहे वो हामान हो सब का सबका नतीजा क़ुरान करीम में मौजूद है कि उनके साथ क्या हुआ उन्होंने माले दुनिया पे गुरूर घमंड तकबूर किया नतीजे में हलाकतों ने आके उनके दामन को पकड़ लिया उनके ग्रे उनके गरेबान को पकड़ लिया उनकी गर्दन को दबोच लिया सुरह अनकबूत में इरशाद हो रहा है वारूना वा व वा फ्रौना व हामान कारून और हमान ये तीन लोगों का तस्करा है वारूना वा व वा व वाम वल़द जाह मूसा बिल्बनात फस्त तकबरूफिल अर्ज व माकानू सबिन देखो कानून फिरौन और रहमान इनकी तरफ हमारा नबी मूसा आयातो मोजातो बराहीन व दलाइल के साथ आया था इनको हिदायत करने के लिए आया था लेकिन फस्त तकबरु फिल आर्ज़, इन्होंने ज़मीन पर गुरूर घमंड से काम लिया नबी की तगज़ीब की रसूल को झुटलाया तो अल्लाह ने कहा वमा कानू सब चाहे ये जितने बड़े बन जाए हमसे आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं हमारे अजाब से नहीं बच सकते हैं लिहाजा चूँकि इन्होंने माले दुनिया पर गुरूर किया था घमंड किया था तकबर किया था लिहाजा फ़कल अहद ना बेजम्बे फ़ हम मन अरसल ना अलह हासेबा, व मिन हम मन अहजत हु सहा व मिन हम मन खसफ ना बिल्ज व मिन हम मन अगरक नमा कानल्लाजलेम हम व लाकिन कानू अनफ़म यज़लेमोन अल्लाह ने कहा कि जब ये दुनिया पर इतराने लगे और दुनिया पर रंगबाजी करने लगे तो हमने हर एक को उनके गुनाहों की सज़ा दी कौन कौन सी सज़ा है इस आय करीमा में उसको बयान किया गया है फमिन हम मन अरसल ना अल है हाशबा बाज़ वो थे जिनके ऊपर कंकरियों का तूफ़ान आया यानी आंधी इतनी तेज़ चल रही थी कि गर्द गुबार के साथ संग्रेज़े भी उड़ रहे थे लिहाजा उन संग्रेज़ों में गिरफ़्तार होके ये लोग हलाक हो गए व मिन हम मन अख़दत हु सयाहा और बाज़ गुनहगार ऐसे थे कि जिनको सया आसमानी ने मार डाला यानी आसमान से एक चीख़ निकली जिस चीख़ की वजह से इनके कानों के पर्दे फट गए कुत सामिया चली गई और वहशत की वजह से ये हलाक हो गए व मिन हम मन खसफ ना बेहिल और बाज दुनियादार गुनाहगार वो थे जिनके लिए ज़मीन फटी और ये ज़मीन के अंदर धंसते हुए चले गए व मन हम मन अगरकना और बाज वो थे गुनहगार और दुनियादार जिनको हमने डूबो दिया चाहे वो दरियाए नील में फिरौन डूबा हो या सैलाबों में दूसरी कौमें जैसे जनाब नूह की कौम पे सैलाब आया था और तूफ़ान आया था ये लोग डूबे थे तो बाज़ दुनियादार और गहगार वो हैं अल्लाह की निगाह में जिनकी सज़ा ये थी कि वह मिन हम मन अगरकना बाज वो हैं जिनको हमने पानी में डुबो दिया देखिए अल्लाह ने यह सब कहने के बाद कहा कि बाज को हमने ये सज़ा दी कि उन पर कंकरियों का तूफान आया बाज़ को हमने ये सज़ा दी कि उनको सहय आसमानी ने मार डाला बाज़ को हमने ये सज़ा दी कि उनके लिए ज़मीन फटी और वो ज़मीन के अंदर धंस गए बास को हमने ये सज़ा दी कि वो सैलाब तूफ़ान में डूब गए फिर अल्लाह ने कहा वमा कान अल्लाह हो लेजल मम याद रखना कि अल्लाह किसी पे ज़ुल्म नहीं करता है वाला किन कानू अनफोसा हम लेकिन लोग ख़ुद अपने नफसों पे जुल्म करते हैं मतलब क्या हुआ अगर हमने किसी को सहे आसमानी से मारा है अगर हमने किसी को कंकरियों के तूफान के ज़रिए से मारा है अगर हमने किस किसी को दरिया में या सैलाब में डुबो के मारा है तो ये ना समझना कि हम जालिम हो गए हैं हमने इनके ऊपर किया है बल्कि इनकी हरकत ही ऐसी थी इनके आमाल ही ऐसे थे इनके कारनामे ही ऐसे थे जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब इनके ऊपर कतई हो गया था चूँकि अल्लाह ने मुयन कर दिया है कि तुम्हारे हर गुनाह की सज़ा के मुकाबले में तुम्हारे हर गुनाह के मुकाबले में उसके यहाँ अजाब है अगर तुम गुरूर करोगे तो नतीजे में तुम्हारे लिए जिल्लत होगी अगर तुम गीबत करोगे तो तुम्हारे आमाले नेक हब तो ज़ब्त कर लिए जाएंगे अगर तुम दूसरों के साथ सोय ज़न करोगे तो माशरा तुम्हारे साथ कभी भी हुन ज़न नहीं रखेगा रज़ अल्लाह ने हर एक गुनाह की सज़ा को मुयन कर रखा है अगर तुम हुब्बे दुनिया में गिरफ़्तार होगे और गुरू घमंड करोगे तो दुनिया के अंदर भी अजाब लाही में गिरफ्तार होगे और मरने के बाद भी इलाही और जहन्नम में डाल दिए जाओगे लिहाजा अजीज़ो ये चार दिन की दुनिया है हमको चाहिए कि हम दुनिया में रह के अपना घर आखिरत में बनाएं, लेकिन हम अपने माशरे में देखते हैं लोग आखिरत तक जाने के लिए सीधा रास्ता नहीं अख्तियार करते दर के जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं जानते हैं कि हर नमाज में बल्कि हर रकात में तकरीबन हम ख़ुदा से दुआ करते हैं दिन रातमस्तक़ीम खुदाया हमारी हदायत सरात मुस्तकीम की तरफ फरमाता रहे लेकिन मुश्किल ये है कि बाज़ लोग सरात मुस्तकीम को छोड़ के शार्ट कट में जन्नत जाना चाह रहे हैं शार्ट कट में आब कौसर पीना चाह रहे हैं शार्ट कट में अपने को रसूल की शफात का मुस्तहक समझ रहे हैं क्या वाक़ा ऐसा है मैंने ख़ुद कुछ लोगों के मुंह से सुना जो ये कहते हुए नज़र आते हैं मौलाना नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा है अहले बैत हमारी शफात करेंगे रसूल इस्लाम हमारी शफात करेंगे नमाज को क्या हम पढ़े इमाम हुसैन ने हमारे लिए करबला के मैदान में आखिरी सजदा कर लिया वो काफ़ी है हजरत अली हज़रतलीसम मस्जिद कोफा की मेहराब में शहीद हो गए वो हमारी बख्शाइश के लिए काफ़ी है रसूल रात की तारीकी में उठ कर अलाफ़ अल इतना खुदा की बारगाह में कहते थे कि आपके पहाए मुबारक में वरम आ गया था यही हमारी बख्शाइश के लिए काफ़ी है लेकिन अजीब बात है ये चीज़ कहने वाले कभी गौर नहीं करते हैं कि कुरान ने कहा है लक़द का लकुम फ़ी रसूल्लास्वतन हसना लोगो जो काम रसूल अंजाम दें उस काम को अंजाम देने में तुम्हारी बेहतरी है चूँकि रसूल तुम्हारे लिए नमून अमल है लिहाजा रसूल का काम हमारे लिए नमून अमल होना चाहिए अगर रसूल रात में एक हज़ार मरतबा अलफ़ कहते थे तो कम से कम हम सौ मरतबा अलफ़ कह लें अगर हजरत अमीरुल अमिरमन ने मस्जिद कोफ़ा की मेहराब में हालत नमाज में ज़रबत खाई है तो हमको जब कोई ख़तरा नहीं है तब तो हम मस्जिद में जाकर नमाज जमात पढ़ सकते हैं सहरा करबला में शहजाद करबला हुसैन इबन अली ने हंगामी हालात में भी सजदा करके बताया कि नमाज किसी भी सूरत में इंसान से साकित नहीं हो सकती इमाम हुसैन ने खुदा का सजदा असर आशूर करके बताया मैं ज़ख्मी हूँ मैं तीन दिन का भूखा और प्यासा हूँ उन्नीस सौ जख्म मेरे जिस्म पर लगे हुए हैं लेकिन मैं इसके बावजूद खुदा का सजदा कर रहा हूँ अय मेरे चाहने वालों अगर तुम नॉर्मल हालात में हो अगर तुम परेशानी के हालात में नहीं हो तब तो कम से कम नमाज पन जगाना को अदा कर सकते हो बाज़ लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं मौलाना ये नमाज जुमा पढ़ने से क्या होता है ये हम नमाज पन जगाना चलिए हम पढ़ लेंगे लेकिन नमाज जुमा ये तो इमाम ज़माना का हक़ हाँ है इस पर तो बाज मौलाना ने बेजा कब्ज़ा कर लिया है अजीब बात है ये फ़कत इमाम ज़माना का हक़ है चलिए हमने मान लिया फ़कत इमाम ज़माना का हक है लेकिन इमाम ज़माना ने इस हक़ को के हवाले कर दिया जब तक मैं गैबत में हूँ तुम लोग उलमा की इतदा में वो जो आदिल हैं मुती हैं परहेज़गार हैं अल्लाह वाले हैं तुम उनकी इख्तिदा में नमाज जुमा अदा करो लिहाजा ये बहाना नहीं किया जा सकता कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे हम नमाज पंजगाना के अलावा नमाज जुमा को अदा नहीं करेंगे और रसूल इस्लाम हमारी शफात कर देंगे अहले बैत रसूल हमारी शफात कर देंगे ऐसा नहीं है चूँकि ये बात कुरानी आयत के सरहन ख़िलाफ़ है कुरान ने नमाज़ को ज़िक्र कहा है नमाज जुमा को ज़िक्र कहा है और ज़िक्री से मुँह मोड़ने वाला दुनिया में भी जलीलु ख़ार होता है और आखिरत में भी अजाब इलाही में गिरफ़्तार होता है जो लोग नमाज को छोड़ रहे हैं यकीनन अगर ये अमदन उनका फ़ेल है तो अल्लाह के पैगंबर कभी भी उनकी शफात नहीं कर सकते और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ बल्कि सूर अनजम उठा के देख लीजिए अल्लाह ताला तूर अनजम में अपने हबीब से कह रहा है फ़ारज़ अमन तवल विक्रना वलम जुरद अल हयात दुनिया जाल का मब लगु हम मिनल ए रसूल उस आदमी से अपने मुँह को मोड़ लीजिए जो हमारे ज़िक्र से मुँह फेरता है और उसका मकसद इस दुनिया में जुज़ हयात दुनिया के कुछ भी नहीं है जाल का मब लगु हम मिनल ये जाहिर लोग हैं ये इनके इल्म की इंतहा है इन्ना रब का हुआ आलम बेमन सबील और तुम्हारा परवरदिगार बेहतर जानता है कौन उसके रास्ते से गुमराह होने वाला है वह हुआ आलम बेमन बेमन अहतदा और वो जानता है कौन शख़्स हिदायत याफ़्ता है गौर कीजिए अल्लाह ताला हुजूर पाक से नजम की उनतीसवीं और तीसवीं आय करीमा में क्या कह रहा है फ आरज़ अमन तवल्ला रसूल उस आदमी से अपने मुंह को मोड़ लीजिए अमन तवल अन जिक्र ना जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है वलमजुरिद अल्ल हयात दुनिया और उसका मकसद इस दुनिया में जुज हयात दुनिया के कुछ नहीं है गौर कीजिए अल्लाह रसूल से कह रहा है कि जो हमारे ज़िक्र से मुँह फेरता है मुँह मोड़ता है रसूल आप भी उससे मुँह मोड़ लीजिए वो लायक कलाम नहीं है बस ये ज़िक्र है क्या आइए ताहा में नमाज़ पंजगाना को ज़िक्र कहा गया है मैं इस तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराता हूँ चुनानचे इर्शाद हो रहा है सुरता की चौदहवीं आय करीमा में अनल्ला। ला इल्ला अना। याद रखो मैं तुम्हारा परदिगार हूँ अना और मेरे अलावा कोई तुम्हारा परवरदिगार और खालिक नहीं है फ़अबुदनी लिहाजा तुम मेरी इबादत करो व अक्म सौला और नमाज को बरपा करके मेरा ज़िक्र करो क्या दूसरे अल्फाज में कहूँ वह अकीम सलारी नमाज कायम करो बरपा करो क्यों लेक्री मेरे ज़िक्र के लिए यानी नमाज पनजगाना ज़िक्र खुदा है इसी तरीक़े से नमाज जुमा भी ज़िक्र खुदा है सूरह जुमा उठा के देखिए या युद्धी न आमनु ईमानदारो ए यौमिल जुमा आ एला जिक्रिल्ला जब तुम्हें जुमे के दिन जिक्र खुदा की तरफ़ बुलाया जाए और तुम्हें निदा दी जाए फ़स एला जिक्रिल्ला जिक्र फ़स रहे जल्दी करो किस तरफ़ अला ज़िक्र ज़िक्र ख़ुदा की तरफ़ नमाज जुमा की तरफ वज़रबा अपने तजारती काम को छोड़ दो तो क़ुरानी नुक़ नज़र से नमाज पंजगाना भी जिक्र लाही है नमाज जुमा भी ज़िक्र लाही है और अल्लाह ताला सुर अन्नज में अपने हबीब पैग़म्बर इस्लाम से ये कह रहा है फ़ारज़ अमन तवल्ला ज़िक्र ना वलम जुरिद अल हयात दुनिया ए हज़ूर पाक उस आदमी से अपने मुँह को मोड़ लीजिए जो हमारा ज़िक्र नहीं करता है जो नमाज पन जगाना नहीं पढ़ता है जो नमाज जुमा नहीं पढ़ता है बस मैं एक जुमले के साथ अपने कलाम को ख़त्म करना चाहता हूँ अजीज़ों याद रखिएगा मोहब्बत अहल बैत यकीनन ज़रूरी है लेकिन महब्बत अहल बैत के साथ ज़िक्री का होना बहुत ज़रूरी है वरना रोज़ क़यामत अल्लाह के पैगंबर हमसे अपने मुंह को मोल लेंगे और हमारी शफात नहीं करेंगे लिहाजा हम खुदा वंदे मुताल की बारगाह में दुआ करते हैं खुदाया हम सब को अपने ज़िक्र की तोफ़ी अतः फरमा और हम सब के दिलों से मोहब्बत दुनिया को निकाल दे मेरे परवरदिगार हम सब को आखिरत वाला बना दे व आखिर दावाना अनिल हम दोबिलमिन असलमकुम वरम वबरक